हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंटर लाइफ विद ब्यूटी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों ये मैं ब्लाउज निकाली हूँ, आज से 19 साल पहले का ब्लाउज है ये। और मैं सोचे कहीं मुझे होगा कि नहीं होगा, कहीं मैं मोटी ज़्यादा तो नहीं हो गई। तो ये ब्लाउज मैं निकाली हूँ, इसको मैंने बड़ा शौक से सिलवाया था, लेकिन मुझे ये जो ये कटिंग है ना बाह में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने मुश्किल से इसको दो या तीन बार इस ब्लाउज को पहना, फिर मैंने इसको उठा के रख दिया और मैंने कहा चलो आज पहनते हैं, क्योंकि अभी वापस से फैशन आ गया है और मैं इसको पहन रही हूँ। उस समय मतलब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, और मुझे लगता है 1 साल हुए होंगे मेरी शादी को, तभी मैंने बनवाया था ससुराल में अपने, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने ना दो तीन बार पहन के इसको रख दिया। अभी देखिए मैं शॉप पर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। मैंने ओजोन का मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाया है और फिलहाल तो मेरे पास लिपस्टिक है नहीं, मेरी लिपस्टिक सब टूट चुकी है। मेरे पास अभी फिलहाल तो कोई भी कॉस्मेटिक नहीं है, और मेरी बेटी भी इसका तिक्रम करके और तोड़ दी। और ये मैंने लिया है पेन, अब पेन से लिपस्टिक निकाल के उसको अपने होंठ पे लगाऊंगी। देखिए ये होता है मेरा डेली का छोटा सा मेकअप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना। तो मेरे पास सही में अभी इस समय मेरे पास एक भी लिपस्टिक नहीं है, और ये लिपस्टिक मेरी बहुत अच्छी थी। जो ये लिपस्टिक 250 रुपये की लिपस्टिक थी, 250 की, और होंठ पे पता भी नहीं चलता था, मतलब इतना लाइट वेट था, अच्छा लगता लगाने में। अब फिलहाल मेरे पास नहीं है लिपस्टिक लगाना, ख़रीदना है मुझे। और ये मेरा आर्टिफिशियल मंगलसूत्र मैंने डाल लिया है, क्योंकि मंगलसूत्र के बिना तो भाई औरत का जो श्रृंगार अधूरा ही रहता है ना, अगर शादीशुदा औरत है तो। ये देखिए मेरा कमरा कैसा फैला हुआ है, इसको भी मैं साफ नहीं कर पा रही हूँ, बेड पूरा ऐसे पड़ा हुआ है। आई थिंक मैं कुछ ढूंढने निकल गई थी, चली गई थी कि भाई अभी आ जा, भाई कहाँ चली गई हो तुम, जल्दी आओ। ये आ गई मैं, और ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ, लिक्विड सिंदूर। तो बस डेली मैं इतना ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। अगर मेरे पास क्योंकि ज़्यादा मेकअप का सामान भी नहीं है, क्रीम लगाया, लिपस्टिक लगाया और ये छोटी सी बिंदी सी से लगा लिया, ये काफ़ी टेढ़ी सी हो गई थी। तो अभी फिलहाल मुझे लिपस्टिक बिंदी सब खरीदना है, मेरे पास बिंदी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई इतना शॉप से भी काम नहीं हो पा रहा है ना, कि भाई बहुत पैसे आए तो मैं कुछ करूं अपने लिए, तो मैं कुछ सोच भी नहीं पाती हूं करने के लिए। और हस्बैंड से मैं कहती नहीं हूं, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाई दे वही बहुत बड़ी बात है, वो मेरे को क्या करेंगे। फिलहाल तो आज से 20 साल से तो मैं अपने छोटे मोटे खर्चे खुद ही निकालती हूं, क्योंकि मैं जब से शादी करके आई हूं तब से ही मैं जॉब कर रही हूं। पहले मैं टीचर थी, फिर मैं कोचिंग पढ़ाती थी, तो 20 सालों से मैं अपने खर्चे खुद उठाती हूँ, कोई करने वाला नहीं फिलहाल तो, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ। अभी यूट्यूब पे भी मेरा काम नहीं चल पा रहा है दोस्तों, कि चलो यूट्यूब पे ही कुछ काम चले। और इस साल तो मैं गेस्ट के चक्कर में बैठी रह गई, और मुझे मैंने कहीं भी अप्लाई नहीं किया जॉब के लिए, गेस्ट टीचर के लिए लगी रह गई, जिससे सबसे बड़ी गलती थी मेरी। ये देखिए मैंने काजल लगा लिया, काजल लगाने के बाद इसी से मैंने आईब्रो भी अपना फिल किया है। तो फिलहाल तो अभी क्या करूं, अभी मैं पूरा ध्यान मेरे को फोकस अपना यूट्यूब पे करना है, कि भाई कुछ थोड़ा बहुत इनकम स्टार्ट हो जाए यहाँ पर, क्योंकि तो इससे भी मुझे 2 महीने आगे हो गए हैं, एक भी इनकम नहीं स्टार्ट हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पैसे ना हो तो क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है। और मेरे बेटे का मोबाइल भी कल चोरी हो गया है, उसका आईडी भी चोरी हो गया, बस पास चोरी हो गया। मतलब कहते हैं ना कि मुसीबत है और मुसीबत और आ जाती है, मतलब खर्चे पे खर्चा। सोचिए कैसे कैसे फ़ोन खरीद के दिया गया था उसको पढ़ने के लिए, और पढ़ाई के लिए वो यूज़ करता है वो फ़ोन। अब देखते हैं उसका क्या होता है, फिर मैं अपना पुराना मोबाइल उसको दूंगी। अच्छा फिट आ गया मेरे को ब्लाउज, ज़्यादा ढीला मतलब कि टाइट भी नहीं हुआ ना, ढीला था, ठीक था। मतलब इतनी मोटी थी मैं, आप सोच लीजिए 20 साल पहले मैं इतनी मोटी थी। और मेरी साड़ी ये खुल गई है वापस से, तो इसको सही कर रही हूँ मैं।
ये मुझे नहीं, ये थोड़ा सा ख़राब लगता है, जो चर्बी है ना पीछे, ये बहुत गंदी लगती है मुझे पेट के ऊपर जो है, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रही है, क्या करूँ, ये जाने का नाम ही नहीं ले रही, गंदा लगता है ना देख कर, क्या बताएं। मैं पता नहीं, मुझे क्या ढूंढ रही हूँ। तो दोस्तों सपोर्ट करिए, थोड़ा सपोर्ट आप लोग नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। और यहाँ मैंने के कंघी कर लिया है, मैंने सिंपल से कंघी किया है। और पता है मैं तैयार हो रही थी तो मेरे बच्चे बोल रहे थे, दोनों बेटा बेटी, मम्मी इतना सजस के क्यों, इतना सजी धजी क्यों। तो मैंने क्या, मैं शॉप पर क्या गंदी तरीके से जाऊँ भाई, शॉप पर भी जाऊँगी तो अच्छे से ही जाऊँगी, तो ये ठीक रहता है। जरूरी तो ना कि हम अगर कुछ बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो भी हम अच्छे से नहीं रहेंगे, या दुकान पे काम कर रहे हैं। दोस्तों हमारी मौसी इतना बन ठन के आई बट कोई फायदा नहीं, तो आके कस्टमर को भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी मुझे देखकर, तो फिलहाल मैं आ गई हूँ शॉप पर और ये वीडियो शूट कर रही है सौम्या। अगर सर दस करीब कोई आएगा भी नहीं, पता है क्यों नहीं आएगा, कह रही है गंदे संदे बन के बना रही, तो कौन आए। ये तो भाई मेरा प्रोफेशन है तो भाई करूंगी ना, इसको भी मन लगाना है, यहाँ पर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने हैं। हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हम लोग रस्सी बांध बांध के काम चला रहे हैं अभी तो, क्या करें, पैसे हैं तो सब, पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, बना कर ही नहीं सकते। बहुत परेशान करती है ना, खोल देते, लेकिन अभी पता नहीं, गैया बहुत परेशान करते हैं ना, खोल ही देते हैं। जाता जल जल जाता ना उधर, इसी समय जब बोल देते थोड़ा थोड़ा करके, यही यही उड़ल लग जाती। दोस्तों वो है सलीमार ग्रीन टाउन, वहाँ पे उसके जस्ट पास हमारी दुकान है, जिसको आना हो आ सकते हैं नकुल डेरी के पास। अभी मोमोज के चार भाई छोटे कर रहे हैं भाई, सुनो जल्दी लिख कर लो, घर जाना है। एक सहालीमार ग्रीन टाउन पिपरिया नकुल डेरी, बंद कर दो।